फ्रेंड्स, मैं हूं शबनम और इस्तकबाल करती हूं आप सभी का आपके चैनल फूड्स बेनिफिट्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूं जिन्हें कंफ्यूजन रहती है प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर कि पीरियड्स मिस होने के कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से आपको इसके सही रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर करने का सही तरीका, सही वक्त मालूम ना हो, तो अगर आप प्रेग्नेंट हो भी तो आपको रिजल्ट इसके नेगेटिव ही शो करेंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। कई बार गलत तरीके और गलत समय पर टेस्ट करवाने से उसके रिजल्ट भी गलत आ सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको आखिर कब और फिजिकल रिलेशन के कितने दिन बाद करनी चाहिए। सो गाइस, अब बात करते हैं कि पीरियड्स मिस होने के बाद आप टेस्ट कब करें। साफ तौर पर फ्रेंड्स, फीमेल्स की यूरिन में जो HCG हार्मोन का लेवल होता है उसी से पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और गाइस, इस प्रोसेस को होने में कम से कम 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो गाइस, अगर आपकी पीरियड मिस होने के तुरंत बाद, मान लीजिए कि अगर आप 7 से 10 दिन के पहले अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर करती हैं तो आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं गाइस, क्योंकि उस वक्त तक भी HCG हार्मोन का स्राव जो है वो यूरिन में उस तरीके से नहीं होता है। उस वजह से आपको इसके सटीक रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आपको सटीक रिजल्ट इसके चाहिए तो कम से कम आपको पीरियड्स मिस होने के 7 से 10 दिन के बाद ही आप घर पर जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो इसके सही रिजल्ट आपको मिल सकते हैं फ्रेंड्स। एंड नाउ गाइस, आपको घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए किस वक्त की आप यूरिन कलेक्ट कर रही हैं ये भी मैटर करता है गाइस। यस, अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर करना है खुद से तो आपको सुबह की सबसे फर्स्ट यूरिन जो होती है अपनी, उसको आपको कलेक्ट करना है एंड उसी से आपको घर पर उसकी टेस्ट करनी है गाइस। क्योंकि सुबह के वक्त ही जो फर्स्ट यूरिन आपकी होती है गाइस, उसमें HCG हार्मोन का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है और HCG हार्मोन लेवल यूरिन में तभी पाया जाता है जब आप प्रेग्नेंट हो। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिम्टम तो ये होती है कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड मिस होने के यूं तो और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकती है, PCOD, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हीमोग्लोबिन रेट जो है वो उसका लेवल कम हो सकता है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये एक जेन्युइन जो फर्स्ट सिम्टम होती है वो यही होती है कि पीरियड्स मिस होती है। इसके साथ ही आपको पेट में ऐंठन की प्रॉब्लम होती है, आपको ब्रेस्ट में सूजन फील होने लगती है, दर्द सा फील होने लगता है। इसके साथ ही आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, कभी कभी आपको मतली भी आती है। गाइज, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। ओके गाइज, सो टिल आई डू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।